हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर सिक्स एपिसोड ऑफ रामलीला। तो कैसे हैं आप लोग? होप आप सब बढ़िया ही होंगे और बढ़िया ही रहना। तो आज की लीला हमारी बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाली है, बहुत ही मज़ेदार होने वाला है आज की रामलीला। तो आप लोग ज़रूर देखिएगा, पूरी फैमिली के साथ बैठ कर। और आज डांस का भी प्रबंध किया गया है, तो आज आप डांस की भी आनंद ले पाएंगे। तो चलिए देखते हैं। Thank you.
हमारे मुख्य अतिथि श्री श्रीमान अभय दायमा जी कुछ ही समय पश्चात हमारे बीच पहुंच रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि जल्दी से जल्दी ग्राउंड पे पहुंचे। मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है। अतिथि देवो आने का मान और सम्मान। सभी का तो मैं बता रहता है कि हमारी बिटिया भी आई हुई है पुष्पांजलि GGM7। बहुत ही अच्छा चैनल है, चलता है वो, देखा करो, उसमें हमारी बिटिया नजर आएगी आपको पत्रकार के रूप में। उम्र छोटी है, सवाल बड़े तीखे पूछती है। पूरी मीडिया प्रभारी के हम आभारी हैं जो आज आप सभी हमारे बीच पहुंचे। आज की कौन सी लीला होगी ये हमारे गुरुदेव पंडित डीके शर्मा जी अपने श्रीमुख से बताएंगे। Hey!
बोले भगवान रामचंद्र की जो भाई खड़े हैं कृपया करके आगे बैठ जाएं। आज के हमारे मुख्य अतिथि कुछ ही समय पश्चात हमारे बीच पहुंच रहे हैं। आप सभी से अनुरोध है कि अपना अपना स्थान ग्रहण कर लें। सभी से निवेदन है, मैं आपको बता रहा था कि हमारे बीच देखिए इंडिया न्यूज 24 सभी देखते होंगे। उनके पत्रकार भाई सुरेंद्र कुमार हमारे बीच आए हुए बैठे मौजूद है। राजधानी संदेश से गौरव कुमार नवीन कई बार नवीन भी देखते हैं, गौरव भी देखते हैं, जैसा टाइम देखते हैं वैसा नाम बदल देते हैं। सर लाइव इंडिया से योगेश जागड़ा जी, राजधानी संदेश से पदम सिंह और जीजीएम 7 से हमारे भैया पुष्पांजलि से ये पहुंचे हैं। मीडिया
का पूरा पूरा सहयोग आपके साथ। इनके लिए भी एक बार जोरदार तालियां बजा दी। हमारे मुख्य अतिथि परमेश यादव जी, मेंबर पार काउंसलिंग पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, श्रीमान अभय दायमा जी एडवोकेट है, प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट बार काउंसलिंग गुड़गांव, उनके साथ नवीन यादव जी सेक्रेटरी है डिस्ट्रिक्ट बार काउंसलिंग गुड़गांव से, और राहुल भारद्वाज जी डिस्ट्रिक्ट बार काउंसलिंग के एडवोकेट, ब्रजेश शर्मा जी चेयरमैन है आरपीएस स्कूल के, और विजेंद्र कुमार एडवोकेट कुछ ही समय पश्चात हमारे बीच पहुंच रहे। लीला गानंद ने रामायण आगे क्या बताती है देखिए। आप
करो, हमने हृदय पे ना लगाए। अतएव हम जो कहते हैं वो कदम सुनिए। छोटे भाई की बातों को दिल की तकती पर मत लिखना, सौगंध तुम्हें जाकर बस तुम्हें लिखना कहना। महाराजा दशरथ जी ने कहा कि इनको बल भी घुमा के लाना है,
और उधर भगवान राम प्यारे गया अयोध्या लोग जाओ हम 14 वर्षों के बाद आ जाएंगे। सुमन जी अपने भारी बन से कदम डगमगाते हुए अयोध्या की तरफ चलते हैं। आगे क्या होता है रामायण हमें क्या बताता है। जरा हमारे समीप आकर तो बात कीजिए।
अरे जाओ पास जाकर देखो, पूछो कौन है। ना ना ना, आप खुद हमारे साथ। अरे दूर से ही पूछ लो कौन है। बापू आप ही चलो भैया, ये नैया वाले जरा अपने नाक को इस बात को लाना। अरे भाई तुम कौन हो और कहां से आए हो। नैया वाले पत्थर का भी
थी। अपनी नाम में हमें सवार करेंगे तो हम आपका ये भी कथन दूर किए देते हैं। Oh,
सेवक की रोजी बनी रहे, वादा में आपके काम में हो, फल कृपा राम की केवट पर और केवट का प्रेम नाम में हो। निर्मल कर्मों का कर दूंगा, मेरी गोरे चिट्टे होंगे, अपना भी जी में भर लूंगा। अरे बेटा जाओ और जल का प्रबंध करो। Thank you.
24 से सुरेंद्र कुमार जी,
रिटायरमेंट है, आप आइए। वकील साहब की पूरी टीम निवेदन करूंगा अभेद गायवा जी से पूरी टीम के साथ भाई विजयदार श्री प्रवेश यादव जी, सभी वकीलों के लिए एक बार जोरदार तालियां। आपका पक्ष रखते हैं, आपको न्याय दिलवाते हैं। एक बार जोरदार तालियां दाइमा जी के लिए। प्रेसिडेंट है ये बार काउंसिलिंग गुड़गांव के, साथ में प्रवेश यादव जी मेंबर बार काउंसिलिंग हाई कोर्ट पंजाब और हरियाणा चंडीगढ़ के अंदर बैठते हैं भाई, आज हमारे बीच में आए हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा अपने गुरुदेव पंडित डी के शर्मा जी से, प्रधान भाई पवन यादव जी से, मान सिंह चोपड़ा जी से, पूरी टीम से भाइयों का स्वागत करें माला पहनाकर परवीन मुद्रा जी। ठीक है, हमारे गुरुदेव प्रवेश यादव जी पहुंचे हाई कोर्ट चंडीगढ़ से हमारे बीच, और स्वागत हमारे गुरुदेव पंडित डीके शर्मा जी से। भाई पदन प्रधान जी जोरदार तालियां अभेद दाइमा जी के लिए, प्रेसिडेंट है डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिलिंग गुड़गांव। मैं जोरदार तालियां, जोरदार तालियां, एक वकील दूसरे वकील, तालियां में कोई कंजूसी नहीं होनी चाहिए। राहुल भागवत जी, श्रीराम विमल जी, दोनों एक ही डिपार्टमेंट के हैं ये, जोरदार ताली बजा दो, सेहत के हिसाब से भी दोनों एक से हैं। भाई ब्रजेश शर्मा, जोरदार ताली, जाना पहचाना चेहरा आरपीएस स्कूल के चेयरमैन संजय भाई स्वागत। पवन जी स्वागत करेंगे विजेंद्र एडवोकेट साहब जी का, ये लीगल एडवाइजर भी हमारे। भाई कमल का एक, दोनों एक माला और ले लो एक। हमारे प्रधान जी स्टेज डायरेक्टर कमल जी का जोरदार तालियां, जोरदार तालियां। मान सिंह चोपड़ा जी का हमारे सुनील शर्मा मेडिकल स्टोर वाले, भाई साहब का नाम रह गया ब्रजेश जी, मैं एक बार जोरदार तालियां बजाएं, बहुत ही जानी मानी हस्ती। भाई नवीन गोयल जी, साथ में पाली पंडित जी, परवीन अग्रवाल जी, मनोज गुप्ता जी, गगन गोयल जी, सुधीर कलसन जी, ईशु वाल्मीकि जी और पदम सिंह समाज सेवी वार्ड नंबर 11 से, आप भी सभी का स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। आइए भाई, मेहमान जो हमारा होता है वो जान से प्यारा होता है, एक बार जोरदार ताली भाई नवीन के लिए। नवीन गोयल जी का स्वागत हमारे गुरुदेव पंडित डी के शर्मा जी।
कमल जी एक अच्छा शासन एक अच्छा प्रशासन दे सकता है और किसी के बस की बात नहीं है। और वो प्रशासन आपके सामने खड़ा है प्रवेश यादव जी के रूप में, भाई दाइमा जी के रूप में मैं निवेदन करूंगा दाइमा जी से कि वो भी अपने आए और श्रीमुख से आपको कुछ संबोधन करें। जोरदार तालियां दाइमा जी। सभी को हाथ जोड़ के मेरा नाम रामलीला आयोजक कमेटी को, कमेटी के प्रधान और सभी सदस्यों को मैं दिल से धन्यवाद देता हूं और शुभकामनाएं भी देता हूं कि आज के युग में रामलीला का जो आयोजन राजेंद्र पार्क में जो हो रहा है मैंने पिछले कई सालों से अपने लाइफ में कभी नहीं देखा। हमारे प्रिय नेता भाई नईम गोयल जी, बार कौंसल सदस्य मेरे प्रिय भाई प्रवेश यादव जी, मेरे साथी अधिवक्ता नवीन यादव जी, राहुल जी, विजेंद्र जी, आज इस रामलीला में आए हुए सभी बुजुर्ग छायाकार पत्रकार बंधु माता शक्ति प्यारे बच्चों, भारत की असली सभ्यता और संस्कृति जिसको जीवित रखा है वो रामलीला के माध्यम से आज हमें देखने को मिली। जो भाईचारा मूल रूप से हिंदुस्तान की सभ्यता जो सूत्रधार रहा है वो रामायण के माध्यम से मिलता है, चाहे भाईचारा हो, भाई भाई का प्यार हो, कर्तव्य हो। श्री राम को पुरुषोत्तम राम कहा गया है, मनुष्यों में सबसे पुरुषोत्तम, उसका आज यहाँ आयोजन हो रहा है। मैं आयोजक मंडली का आभार प्रकट करता हूँ, उन्होंने मुझे आज अपने साथियों के साथ यहाँ आने का सुअवसर दिया, उसके लिए मैं आभारी हूँ। और मेरे भाई नवीन ने सब कुछ बता ही दिया है, हम अपनी बार एसोसिएशन की तरफ से इस कार्यक्रम को आगे भी सुचारू रूप से चलता रहे इसके लिए 11,000 रुपए की धनराशि देने की घोषणा करते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। अभी डाइबा जी कुछ ही सब कुछ बहुत वकील है ना, बोलते कम है लिखते ज्यादा है। देखिए सब कुछ कहेंगे बाली जी आदेश। देखिए अभी जैसे नवीन भाई ने बताया कि रामायण में एक एक पात्र का अलग अलग चरित्र बहुत ही कीमती और बहुत मूल्यवान रहा है। उसी में से एक जो रावण का चरित्र है वो भी पेन दिया बहुत ही अच्छा है, और उससे कीमती जो भगवान राम हुए मेरे ख्याल से उससे कीमती यहाँ पे रामायण में चरित्र नहीं है। क्योंकि रावण को जब पता लगा कि बहन सर्पदा की नाक कटी है और उन्होंने उनसे पूछा कि क्या बार काउंसिलिंग के मेंबर हैं, हाई कोर्ट के अधिवक्ता वकील साहब हैं, चंडीगढ़ से स्पेशल आपके बीच में आए हैं, उनका स्वागत हार्दिक अभिनंदन, जोरदार तालियां भाई श्री दोस्तों। आज राजेंद्र पार्क विष्णु गार्डन आनंद गार्डन में निरंकुश कमेटी की तरफ से रामलीला की जा रही है। सबसे पहले तो मैं इनका सबका बहुत हार्दिक धन्यवाद करता हूँ कि इन्होंने बहुत ही शानदार स्वागत किया, और जब से 2018 में मैं दोबारा मेंबर बारकुल से बना हूँ तो उस दिन 2018 से अब तक 21 हो गए 3 साल ऐसा स्वागत नहीं हुआ, तो मैं बहुत तहे दिल से पूरी कमेटी का बहुत धन्यवाद करता हूँ। भाई मेरे साथ आए हुए युवाओं को उनके प्रधान अभय सिंह दैमा जी,
जो हमारी हरियाणा पंजाब की सबसे बड़ी कोर्ट के प्रधान हैं, नवीन यादव जी जो सेक्रेटरी रह चुके हैं पहले गुड़गांव कोर्ट के, राहुल भारद्वाज जी, मैं शुरुआत साहब से अनुरोध करूँगा कि मेरे बाद राहुल भारद्वाज जी से भी जरूर बुलवाया जाए, बहुत अच्छा वक्ता है, बहुत अच्छा बोलते हैं। गुड़गांव कोर्ट के सभी अधिवक्ता जी, विजेंद्र जी, कमल जी, भूपनाथ चौहान जी और मेरे साथ ही हमारे आज के अतिथि नवीन गोयल जी, जिनके बारे में हर गुड़गांव के हर कोई नागरिक इनके कार्य के प्रति जागरूक भी है, उनको सराहनीय काम जो कर रहे हैं मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। और इनकी फाउंडेशन ने जो सरकार विफल हुई पर इन्होंने अपनी तरफ से कोविड में एक हॉस्पिटल भी रन किया जो बहुत ही काबिल तारीफ है, जो लोगों की सेवा के लिए पहले दिन से ही ओपन हो गया। तो मैं इस सभी कार्य के लिए बहुत बहुत बधाई देता हूँ और श्री राम प्रभु से प्रार्थना भी करता हूँ माता रानी से कि जो भी मेरे भाई की मनोकामनाएं और हम भाई चाहते हैं कि ऐसा ही नेतृत्व मिले जो लोगों के बीच रहे और काम करे। साथ में आए प्रवीण अग्रवाल जी, मेरे साथी बड़े भाई हैं लोकेट, इनका भी हार्दिक अभिनंदन। सारे अतिथियों जो रवीन बोल जी के आए सबका अभिनंदन करता हूँ। और सबसे तारीफ तो मैं अपनी मातृशक्ति का करूँगा, बच्चों का, क्योंकि हमारे भी बच्चे आज टीवी को उन्हें छोड़ के राजी नहीं है, पर आप सभी यहाँ रामलीला देखने आई हैं। सबसे ज़्यादा तारीफ तो आपकी है कि आप इस चीज़ के लिए जागरूक भी हैं और इसका प्रमाण ये साबित होता है कि रामलीला बहुत ही अच्छी कराई जा रही है, ताकि सब आप लोग आए हुए सर ये साबित करता है। मेरे प्यारे बच्चे, सभी मेरे बुजुर्ग, रामलीला और रामायण, रामायण अपने आप में एक जिंदगी का सहार है। हमें अपनी जिंदगी कैसे जीनी चाहिए ये हमें रामायण सिखाती है। और ये सिर्फ भारत में नहीं, पूरे दुनिया में ये ग्रंथ एक ऐसे उद्देश्य और इसको पढ़ा जाता है, इसको इसके सीख ली जाती है और इसका जो इतिहास है उसके प्रमाण आज भी है। और रामायण के जो पात्र थे सभी, जैसे मैंने भक्तों ने बताया, सभी में अपनी अपनी एक खासियत थी। तो मैं आप सभी से अनुरोध करता हूँ कि जो रामायण है इससे हमें सीख लेनी चाहिए, अपने जीवन यापन में इसको हमें लागू करना चाहिए। कमेटी के सभी सदस्य ने बहुत शानदार स्वागत किया। राजेंद्र पार्क विष्णु गार्डन में सभी कमेटी सदस्य RW के प्रधान, उनको आश्वस्त करता हूँ कि हाईकोर्ट में हो या चाहे गुड़गांव में, कोई भी समाज का काम हम वकील भाई किसी तरह आपकी मदद कोर्ट में कर सकते हैं तो हम हमेशा तैयार हैं। चाहे कोई भी आपकी तरफ से समाज की कोई भी इशू हो वो हम निःशुल्क आपकी जब तक जिंदा है जब तक की गारंटी है, जब तक जिंदा है कोई भी काम होगा कोर्ट में करेंगे। बहुत धन्यवाद, ऐसा प्यार और सहयोग दिया, धन्यवाद, बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद प्रवेश यादव जी। कहते हैं बहुत बोलता है, कहते हैं बहुत बोलता है हर बात को तोलता है, सील देते अगर इनके होठ तो आंखों से बोलता है। भाई राहुल भारद्वाज, मेरे साथ सभी जोर से बोलेंगे, बोलो जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। साथियों, सत्य की असत्य पर, न्याय की अन्याय पर, अच्छाई की बुराई पर, पुण्य की पाप पर जीत का मधुर गीत है रामायण। बुराई चाहे कितनी भी शक्तिशाली हो उसका अंत निश्चित है, ये हमें हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रतीक रामायण सिखाती है। उस समय में रावण के पास तोपें थी,
बम थे, टैंक थे, विमान थे, और रामचंद्र जी के पास क्या था? सेना के नाम पर बंदर और भालू, लेकिन और अस्त्र शस्त्रों के नाम पर लाख भूसे और वृक्षों की टहनियां। किंतु उनके साथ सत्य था और कुछ कर गुजरने की उमंग थी। इसके आधार पर उन्होंने रावण पर विजय प्राप्त की। तो सच्चाई की जीत निश्चित है। रामायण का हर एक पात्र हमें सिखाता है कि पिता और पुत्र का संबंध कैसा हो। पिता की आज्ञा निभाने के लिए रामचंद्र जी अपने सिंहासन को छोड़कर 14 वर्ष वन में गए। तो ये सीखना है हमें रामायण से कि पिता पुत्र का संबंध ऐसा होना चाहिए। पत्नी कैसी हो, तो वो रामायण सिखाती है कि पत्नी केवल अच्छे अच्छे के लिए नहीं, अगर परिवार के दिन बुरे हैं, कुछ कमियां हैं, तो उसमें भी साथ रहे, साथ आगे बढ़कर साथ निभाए। भाई भाई का संबंध कैसा हो, भाई ही भाई को मजबूती देता है। तो एक दूसरे से मिलकर हम आपस में संबंधों को प्रगाढ़ता दें, मजबूती दें, इसी तरह अपनी सभ्यता और संस्कृति को निभाते रहें। ये परमपिता परमात्मा से मैं यही प्रार्थना करता हूँ कि हे ईश्वर मालिक, हे दाता, हे जगत नियंता दीन बंधु, हे परमेश्वर प्रभु, हे भगवान, इसी तरह रामायण का प्रचार प्रसार, हमारी सभ्यता संस्कृति का प्रसार हर सदी में होता रहे। और आप मेरे साथ फिर से जोर से एक बार बोले, जय श्री राम। धन्यवाद। बहुत जोशीले भाषण वकील साहब, शायद जब बोलते होंगे जज वैसे डर जाता होगा। मैं भाई दो मिनट तो बैठो। श्रीमान सुरेंद्र कुमार जी आ जा। मदन भाई जी, मदन भाई जी, आपका स्वागत भी सभी का होना चाहिए जो बाहर से आते हैं, और आपका एक डांस हो जाए फिर जोरदार ताली, एक डांस। आपके
दूसरे तट पर उतार दिया है। सीता जी की मुंद्री भाई आपका बहुत बड़ा एहसान है जिसको हम कभी भूल नहीं पाएंगे। इसलिए उपहास रूप हमारे पास पैसे तो कुछ नहीं है, किंतु एक छोटी सी कुछ भेंट हम आपको अर्पण करना चाहते हैं। केवटे ले लो परंतु फिर भी हम ये सीता जी की मुद्री आपको भेंट करना चाहते हैं। ये सीता की प्रभु ये सीता जी की मुद्री है, इसको कैसे ले लूं मधुवन। ये सीता जी की मुद्री है, इसको कैसे ले अनुमति दे। भगवान मजदूरी मजदूरी तो मैंने अपनी फिर नाथ पेश कर ले ली है, फिर वे अपनी मुंह मांगी अपना जी भरकर ले ली है।
चरणों की रज जो ढोई थी वह प्यापी मजदूरी थी, वह कोटा कोटा जन्मों की भी मजदूरी भी उस पर थी। चुक गई मजदूरी मेरी तो रह गया आप पर भार नहीं, उद्धार हो गया मेरा जब तो कौड़ी रही उधार नहीं। आए प्रभु मैं तुमसे क्या मजदूरी लूंगा, पहले ही तुम्हारा राजपाट सब छीन गया, और जैसे मैं केवट हूँ ऐसे तुम भव सागर के केवट हो। मैंने जो नैया पर गाया वह गाना एक इशारा था, इकरार वही मन ही मन से कुछ मेरा और तुम्हारा था। प्रभु बस मुझ पर इतना एहसान कीजिए कि जब आप 14 वर्ष का वनवास काट कर वापस आए तो मेरे इस छोटी सी नैया में ही वापस जाना, मैं आपका इंतजार करूंगा प्रभु, इंतजार करूंगा। ठीक है भाई, यदि आपकी यही मनोकामना है तो हम भी आपको वचन देते हैं कि जब भी 14 वर्ष पूर्ण होंगे तो आपकी इसी नौका से और आपकी इसी तट से हम अयोध्या अपने घर को वापस जाएंगे। अपने को भी नहीं समझते हो तो ऋण तुम नहीं चुका देना, मैंने तुमको है पार किया तुम मुझको पार लगा देना। प्रभु क्षमा कीजिए। भाई अगर आपसे कोई त्रुटि हो गई हो तो हमें क्षमा कीजिएगा, अब हमें आज्ञा दीजिए ताकि हम आपने आगे का रास्ता निहार सकें। जो आज्ञा प्रभु, चलो लक्ष्मण आगे की ओर प्रस्थान करो।
कहानी सुनाता हूँ, ये किस प्रकार घट रही वो अपनी वाणी सुनाता हूँ। Hey!
को चले, ये उन्हीं का साथ है जो इस तरह प्रफुल्लित हो रहा है। और अब मेरा समय निकट आ रहा है, मेरे राम नहीं लक्ष्मण नहीं ना ही मेरी सीता है, क्या करूं स्वरों का, छोड़ मुझको किधर को पधारे I'm
में निकल आ रहा है। देखो लक्ष्मण लक्ष्मण उतारूंगी भरत राजा बनेगा रानी राजा शत्रुघ्न ये आज हमारी अयोध्या इतनी सोनी को लग रही है जैसे अयोध्या में बच्चे चिल्लाते खेलते दिखते थे बाहर इतना सुनसान वातावरण है मेरे को समझ नहीं आ रहा प्राता चलो वो जल्दी ही माता से मिलते हैं वही हमें व्याख्या के प्रकार समझाएंगे कहा जब को चले तो
जाओ सदा खुशी रहो पुत्र। हे पुत्र, तुमने आने में बड़ी देर कर दी। तुम्हारे मामा नाना के वहाँ सब कुशल मंगल तो है। हाँ माता जी, वहाँ सब कुशल मंगल है। पहले तुम अपने सफर की थकान उतार लो, फिर धीरे धीरे तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। पिताजी के दर्शन हो जाएगी, बताइए ना पिताजी कहाँ है। पुत्र भरत, पहले तुम कुछ जलपान कर लो, फिर धीरे धीरे तुम्हें सब ज्ञात हो जाएगा। जब दूर बुलाने आया तो धीरे धीरे किसी भाई उसे कुछ भी तो नहीं बतलाया। अब तुम भी धीरे धीरे की रट लगाए बैठी हो, मुझे जल्दी बताओ। मनु पुत्र भरत सो। माइक आगे चल रहा है। माइक पुत्र भरत सो। तुम्हारे पिताजी स्वर्ग सिधार रानी तुम रुको, पहले मैं भरत की आरती तो उतार लूं। ए मेरा भरत लाल है आया, बेटा तू रख अचानक से पिताजी इधर इधर उधर हो जाएगी। स्वर्ग सिधार गए, अंदर रखिए आप। मैं गिनता भागा हूँ जो पिताजी के अंतिम समय दर्शन भी ना कर सका। कपिल बोल तो भ्राता राम न लक्ष्मण भी आ नहीं थे। ये कैसी माया है प्रभु, ये कैसी माया है। हे विधाता भाई, हे विधाता, ये Thank you.
भैया राम यहाँ है नहीं, मुझे सही सही समझाइए बाप। ए पुत्र ठीक ठीक तो मैंने समय पर कर दिया, वरना अनर्थ हो जाता। कैसा अनर्थ माँ, कैसा अनर्थ? ए पुत्र भरत, तुम्हारी गैर मौजूदगी में तुम्हारे पिताश्री तुम्हारे भ्राता राम को राजगद्दी सौंप रहे थे, लेकिन लेकिन भला हो उस मंत्रा का जो उसने मुझे सही समय पर आकर स्वीकार किया, वरना सब कार्य ही बिगड़ जाता और हाथ मरने के अलावा कुछ हाथ नहीं आता। हे पुत्र भरत, मैंने तुम्हारे पिताश्री से कुछ वर्षों पहले दो वरदान मांगे थे, जो मैंने सही समय पर मांग लिए। हे पुत्र, मैंने पहले वरदान में तुम्हारा राजतिलक और दूसरे वरदान में तुम्हारे भ्राता राम को 14 वर्षों का वनवास। तो तुमने बहुत ही सुंदर कार्य किया, इसके लिए तुम्हें कोई भारी भत्ता मिलना चाहिए। हाँ भरत, मैं तुमसे यही सुनना चाहती थी। राज्य का सिरेदार तो तुम ही हो, जाओ पुत्र अब राज्य करो। राज्य का अधिकारी? इस राज्य का अधिकारी? नहीं माँ नहीं, तुमने मुझे इस राज्य का नहीं, शमशान का राज्य सौंपा है। अरे ये राज्य तेरा पापनी मुझे विष के बराबर है, जिसे तू राज्य कहती है वह कंकर ढाल पत्थर है। तू चाहती है मैं इस राज्य पे राज्य करूं, भ्राता राम को वनों में भेजकर राज्य करूं? तुझे ये कहते हुए शर्म क्यों नहीं आई और तेरी जीवा के टुकड़े टुकड़े क्यों ना हो गए? ए भरत, तुम बिना कार्य के मुझसे क्यों लड़ रहे हो? आखिर मैंने ये सब तुम्हारे भले के लिए ही तो किया है। भला किसका भला, कैसा भला? भला मंजूर था तुझको तो यूं करती भला मेरा, जन्म जब लिया था तेरी कोख से तो दबा देती गला मेरा। यदि पर दूसरे घर में मैं ये फरियाद करता और वो मुझको बदल देता, बदल देता तेरी को या फिर मुझको ही बदल देता। ए पुत्र, तूने मुझे कई मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़ा। हे पुत्र, आके मैं तुम्हारी माँ हूँ। माँ? कैसी माँ, किसकी माँ? तू मेरी माँ नहीं हो सकती, जी तो चाहता है इन हाथों से टुकड़े टुकड़े कर दूँ। हे पुत्र भरत, कम से कम मेरे दूध की तो लाज रखो। अरे भाई तो मुझे शर्मा रहा, अगर मुझे ये खबर होती तो इस दुनिया से ही चल देता, ना पीता तेरा दूध पीता थौ कर देता। माँ तुम कहती हो मेरी माँ, माता तुम मेरी माता, क्या तुम्हें तुम्हें माता मेरी, क्या तुम्हें सूर्य कुल की रानी, क्या तुम्हें जन्मदाता मेरी। इसलिए इस भूले बच्चे को भाता है वह नहीं आज से माता है जो रही आज तक माता है। मानो तो है संबंध सभी, मानो तो सारे नाते हैं, अन्यथा अकेले ही प्राणी इस जग में आते जाते हैं। यह मात्र भाव जानने पर भी कोई दुर्भाव नहीं होगा, महासती तुम मुदित रहो, अनुचित बर्ताव नहीं होगा।
भले ये कृपा तुम्हारी का जो जीवन आज सुधरता है तो ना जो जो ढोता जाता जो जो आभूषण बनता है तब कर बुझ कर हो गया कोस इतने कोमल परत रहा माता के कई नैर अब से तो भरत ने हब से भरत रहा ऐ धरती तू पड़ जा के तुझ में मैं समा जाऊं अब इन अयोध्या वासियों को कैसे मुंह दिखलाऊं कैसे मुंह इतने दुख पर ये ब्रिज गिरा छोड़े है प्राण पिताजी ने क्या यही देखने को धरा नर जीवन मुजदूर भागी ने शत्रुहन शत्रुहन सरयु के किनारे मुझको भी तुम पहुंचा देना जब यो पिताजी का दाह संस्कार मेरी सीता भी जला देना तूने तुझे कहीं का नहीं छोड़ा तूने अपनी हक को पूरा करने के लिए अपनी मांग का सिंदूर मिला डाला और खुद का पीपा बना डाला जा आज से भरत अपनी माँ का त्याग करता है क्या करता है क्या करता है देखिए दानों में दान गुप्त दान कोई सज्जन है लीला में 100 रुपए गुप्त दान देते हैं भाई का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बिटिया है हमारी आरती डॉटर ऑफ प्रदीप से वो भी लीला में 100 रुपए देती है बिटिया का बहुत बहुत धन्यवाद। बिटिया तमन्ना वो भी लीला में 100 रुपए देती है छोटी सी गुड़िया का बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार जोरदार ताली। विजेंद्र सिंह एडवोकेट हमारे दायमा जी प्रेसिडेंट आए उनके साथ आए थे भाई विजेंद्र सिंह 500 रुपए लीला में दान करते हैं वकील साहब का बहुत बहुत धन्यवाद। अनाउंसमेंट तो कर दो बोलती कर दो बोलती कर दो कृपया बैठ जाए अगर आपने डांस देखना तो डांस करा देना बैठ जाओ हाथ जोड़ के निवेदन है बैठ जाइए बैठ जाओ आपके लिए डांस करा देते हैं बढ़िया से डांस कृपया बैठ जाए गुड़िया बैठ जा मेरी बिटिया बैठ जा आराम से एक डांस आपकी सेवा माता, माता, कौन है? हे माँ, अरे भरत, बेटा तुम कब आए? हाँ माँ, आपका भागा बेटा भरत आ गया माँ। हे माँ, भाई YouTube पे। मैं तब आया। YouTube पे। जब भी भूल चुके थे। हे माँ, मैं तब आया। जब हमारी आंखों की ज्योति हमसे दूर हो हे माता मैं तब आया जब हमारे प्रभु राम हमसे दूर जा चुके थे हे माँ
मेरे आने में बहुत देर कर दी माँ, मेरे आने में बहुत देर कर दी। हे माता, आप ये क्या कह रही है कि मैं राज कर लूं? ये सुन सुन के मैं थक चुका हूँ माँ, मैं थक चुका हूँ। हे माता, तेरे चरणों की सुगंध माता मुझे री, तेरे चरणों की सुगंध है माता मुझे, शरारत का मुझको पता इल्जाम दो तो तुम्हारी खुशी पढ़ना इसने मेरी Thank you.
कट जाओ यार, इधर हो ना भाई, बस भाई दान पर विशेष ध्यान दो, ये लीला आपके दान से ही चलती है। आपका आरती में डाला हुआ 10 रुपए भी लीला के काम आता है। Oh,
डरता स्वामी तो मैं पागल डरता मैं मूर्ख कल कामी मैं सेवक तुम स्वामी कृपा करो बरताओ जय जगदीश हरे तुम हो एक अगोचर सबके प्राणपति सम सबके प्राणपति जिस विद मिलो दया में जिस विद मिलो दया में तुम तो मैं तुम भी हो जय जगदीश हरे अपने हाथ उठाओ अपने शरण में लाओ द्वार पड़म तेरे ओम जय जगदीश हरे विषय विकार मिटाओ पाप हरो देवा संकट हरो देवा सरदा भक्ति भराओ सरदा प्रेमी भराओ संतन की सेवा ओम जय जगदीश हरे ओम की आरती जो कोई नर गावे स्वामी जो कोई नर गावे बोल सियावर रामचंद्र की जय सीता माता की जय बोल लक्ष्मण जति की जय बोल भद्रंगली हनुमान की जय।